जयेश बताइए, कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप 2 घंटे के लिए? तो हमने, क्योंकि जैसे बाजार का रुख है उसी को देखते हुए हमने एक बाय और एक सेल रेकमेंड किया है। तो पहले मैं बाय पर डिस्कशन करूंगा, जहां हमने इंफीबीम पर बाय रेकमेंड किया है। हमने आईएफएल के क्लाइंट्स को भी आज रेकमेंड करा है 19.70 के आसपास के रेट पर। तो अगर आप इंफीबीम को देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर हम बहुत बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इस पर। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अगले 3-4 महीने में इसमें बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। बट क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पिक कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म का अभी व्यू दे रहे हैं, तो 19 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस से आप इसे बाय कर सकते हैं और 22 रुपए का टारगेट रहेगा। बट 2-3 महीने का अगर व्यू टाइम फ्रेम रखे तो 24-25 तक का भी होराइजन आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है टाइटन, जिसपे हमने आज सेल रिकमेंडेशन दिया है। ये प्योरली डेरिवेटिव डेटा को देख कर दिया है हमने। हमने देखा है कि टाइटन की जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है फ्रॉम 2600 एंड अबव, उसमें आज बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है। और पुट ऑप्शंस जो है उसमें जो शॉर्ट पोजीशंस थी, जो राइटिंग पोजीशंस थी, उसमें हमने अनवाइंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि टाइटन पर सेलिंग प्रेशर रहेगा और इस सेलिंग दबाव के वजह से यहाँ से 3% के आसपास का करेक्शन स्टॉक में आ सकता है इन दिसंबर सीरीज। सो टाइटन को आप सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2600 और टारगेट रहेगा 2450 का। ठीक है, टाइटन आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है, लेकिन अब यहाँ से शेयर थोड़ा सा और स्लिप कर सकता है, और इसमें बिकवाली की सलाह है जयेश की तरफ से। इन्फीबीम में खरीदारी की सलाह है 22 रुपये के लक्ष्य के लिए, 20 रुपये के आसपास ये शेयर ऑलरेडी 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन शेयर आपके लिए चैंपियन बनेगा, कौन सा आप शेयर आपके पोर्टफोलियो का बनेगा वीआईपी, ये जानेंगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर। ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका डीएनए स्वदेश पर। बताइए, क्या होगी आपकी पिक, कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको? और अब ये रैली इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पर मेरा पिक रहेगा जीआईसी, जिसकी मेरी सलाह 172 रुपए के आसपास लेना चाहिए और अगले 6 महीने का लक्ष्य जो है 225 रुपए का रहेगा। अब रीजन ये है इसके रिकमेंड करने का, क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप 15 जो री इंश्योरर है उसमें उनकी पोजिशनिंग है। लास्ट 6 महीनों में कंपनी का जो मुनाफा है वो 2800 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया, जबकि पूरे पिछले साल में ये प्रॉफिट सिर्फ 2200 करोड़ रुपए का था। और अभी हम जो देख रहे हैं कि यदि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 86% जो होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास में और 12% में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। तो सिर्फ 2% होल्डिंग मार्केट में पब्लिक फ्लोट के जैसा अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में काफी वैल्यू है, अपने बुक वैल्यू पे ही ये स्टॉक मिल रहा है। और ये क्योंकि कोई बड़ी कैलिबिटी या कोई ऐसा लाइफ के लॉसेज नहीं है, तो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों बिजनेसेस में कोई बड़े क्लेम नहीं होने के कारण से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे 6 महीने और आगे भी सेम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहने की संभावना है। तो मेरा बेट जीआईसी इंश्योरेंस रहेगा अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, जीआईसी आ रही है, आज भी हम इसमें जबरदस्त तेजी देख रहे हैं 8-9% की, लेकिन 225 रुपये के टारगेट के लिए आपको ये खरीदना है, 6 महीने का आपको इसको समय देना है, और इस वक्त पौने 200 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है।